तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं रसीला मीठा मुंह में घुल जाने वाला शाइनी गुड़ और सूजी का हलवा। पहली बार में ही बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी गुड़ और सूजी का टेस्टी हलवा। तो आज आप लोगों से परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट रेशो के साथ परफेक्ट हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। कितनी सूजी में कितना गुड़ डलेगा, पानी और घी की मिकदार क्या रहेगी, आज आपसे सारी ही बातें शेयर करूंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो गुड़ और सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने गुड़। अच्छा, गुड़ को वज़न में देखें तो 250 ग्राम है, यानी कि एक पाव के बराबर है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब जितना गुड़ उतनी सूजी, तो 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया, 250 ग्राम ही मैं यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक वाली सूजी है या आपको जो भी मिले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप भर के मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास मेजरिंग कप है, आप घर में कोई भी चाय पीने वाला कप ले लें। अच्छा, जिस कप से मैंने घी को नापा है ना, उसी कप की मदद से मैंने 4 कप के बराबर पानी ले लिया है। बोल में आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये 4 कप पानी है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप जितने डालना चाहें, जो मर्ज़ी डालना चाहें, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ले लिया है मैंने एक सॉस पैन और उसमें डाल दिया है 4 कप के बराबर पानी, जो कि मैंने मेयर करके रखा हुआ था। अब इसमें डाल देंगे 250 ग्राम के बराबर गुड़। हमने गुड़ को यहाँ पर मेल्ट करना है, पिघला लेना है, पानी के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑन करूँगी और गुड़ और पानी को चढ़ा दूँगी। ना ही तो हमने इस गुड़ का शीरा बनाना है, एक तार का या दो तार का, ना ही हमने इसे पका कर गाढ़ा करना है। बस एक बॉयल आने दें या फिर इतना कि गुड़ और पानी अच्छे तरीके से वेल कम्बाइन हो जाएँ। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा, ऊपर एक झाग सी बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो छलनी की मदद से इस झाग को रिमूव कर लें। तो आप लोगों ने शीरे वाला चीनी का हलवा तो बहुत ज़्यादा बनाया होगा, इस बार ये हलवा ट्राई करके देखें। गुड़ का एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हलवा में, जिससे हलवा बेहद टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो बस जैसे ही पानी में गुड़ हल हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें। यहाँ पर जो सूजी ली थी मैंने 250 ग्राम, उसे एक बड़े से बोल में डाल दें और जो भी हमने गुड़ का पानी तैयार किया था ना, उसे छान कर सूजी में डाल दें। अच्छा, ये पानी मैंने ठंडा भी नहीं किया, गर्मा गर्म पानी ही सूजी में ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, सूजी का एक एक दाना फूलेगा, आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना, इस गर्म गुड़ के पानी में सूजी को अच्छे तरीके से हल कर लें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो पानी को हल्का सा आप लोग ठंडा करके डालें, मगर पानी नीम गर्म ही होना चाहिए। मैंने गर्मा गर्म ही गुड़ वाला पानी ऐड कर दिया है। बस सब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लिया है, कवर लगाकर 10 मिनट के लिए मैं सूजी को कवर करके रखूंगी। क्या होगा, सूजी का एक एक दाना फूलेगा और हलवा बेहद जायकेदार और दानेदार बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आपको सूजी के दाने नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाती हूँ, देखें सूजी फूल गई ना, बस इसे रख देंगे एक साइड पर। गुड़ और सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई और 1 कप इसमें डाल दिया है घी। हलवा घी में ही अच्छा लगता है, आप देसी घी भी ले सकते हैं, मगर कुकिंग ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। घी में डाल दूँगी मैं 2 टेबल स्पून के करीब चीनी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा चीनी क्यों ऐड की है, गुड़ तो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो चीनी सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, चीनी को कैरमलाइज करेंगे तो हलवे का कलर बहुत खूबसूरत आएगा और जायका भी बढ़ेगा। तो सिर्फ 2 टेबल स्पून चीनी को आप मेल्ट कर लें, इतना कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन आ जाए, जैसे शहद का कलर होता है ना, बस वैसा ही। अगर आप लोगों ने ज़्यादा चीनी को जला लिया तो हलवा कड़वा भी बन सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो जैसे ही आप लोग देखें चीनी का कलर चेंज हो चुका है, आप इसमें डालें सूजी और गुड़ वाला मिक्स, जो कि अभी हमने बनाकर रखा हुआ था। फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि इस टाइम पर घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। फ्लेम को ऑफ ही रखें और अब हम सारा मिक्स डालने के बाद मिक्स करेंगे। पहले अच्छे तरीके से मिक्स करें और बाद में फ्लेम को ऑफ़ करें। अगर गर्मा गर्म घी में ये मिक्स डाल देंगे ना सूजी और गुड़ का, तो छींटे उड़ेंगे, जिससे जलने का ख़तरा रहता है। चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने, अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और जैसे जैसे हलवे को मिक्स करते रहेंगे ये गाढ़ा होता जाएगा।
स्टेज पर आपको अभी घी ज़्यादा लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। 4 से 5 अदद छोटी इलायची डाल दूंगी, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, हलवे की भुनाई करनी है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें रेसिपी को मैं स्किप नहीं कर रही, बल्कि आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे जैसे मिक्स करते जा रहे हैं हलवा भुनता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो आधे डाले हैं आधे बचा कर रख लूँगी, गार्निशिंग में काम आएंगे। तो इस टेस्टी हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग देखें घी जैसे गायब सा हो गया है, हलवे ने पेंदा छोड़ दिया है, ये अच्छे तरीके से भुन भी चुका है। और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, बेहद जायकेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। फ्लेम को ऑफ कर दें और हलवे की लुक को चेक करें। तो बारिश का मौसम है, इसके अलावा मुहर्रमुल हराम भी आने वाले हैं, तो आप ये हलवा एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बेहद दानेदार रसीला मुँह में घुल जाने वाला सूजी और गुड़ का हलवा तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे और बचे हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।